हेलो एवरीवन, आज मैं देखूंगी आप दोनों की करंट फीलिंग्स आज के दिन में क्या चल रही है, क्या एनर्जी है आफ्टर फुल मून, क्या एनर्जी में हैं आप दोनों। तो इस डेक को मैं करूंगी हमेशा की तरह दो पार्ट में डिवाइड। तो फर्स्ट कार्ड मेरे व्यूवर्स की तरफ है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार कर सकते हैं, या तो आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं, या तो आपको कोई ट्रिगर देगा या आप किसी को ट्रिगर करेंगे, या तो आपसे किसी की फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो सतर्क रहें। सेकंड कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ प्रिंसेस ऑफ कप्स। कई लोगों की एनर्जी बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा आप लव देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। साथ ही आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप टच में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, तो आप उन्हें सामने से कोई मैसेज या कोई शायरी या कोई अच्छी चीज़ उन्हें भेज सकते हैं, या फिर अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आप उन्हें आज के दिन में स्पाई कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ का। आप में से कई लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, फुल मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। और लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर, या उनकी तरफ आपको एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील हो सकता है। तो हो सकता है कि आज के दिन में आप उनकी पिक्स देखें, उन्हें याद करें, उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उन्हें बहुत ज़्यादा याद करें। तो ये चीज़ें आपकी तरफ नज़र आ रही हैं। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर भी आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ कैसे आना है, क्या स्टेप लेना है। सेकंड कार्ड है उनकी तरफ नाइन ऑफ सोर्ड्स। इस फुल मून का बुरा असर पड़ेगा आपके पार्टनर के ऊपर, तो ज़रूरी है कि आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है। आप कितने भी बैलेंस्ड हों, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है आपकी एनर्जी, हैवीनेस फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, वन साइड में आपके बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या तो वन साइड लेग, वन साइड शोल्डर, वन साइड आईज, इस तरह का पेन आपको फील हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें गिल्ट हो सकता है किसी बात का, पछतावे की एनर्जी है, सैड एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, नींद ना आना इस तरह की एनर्जी हो सकती है, भूख ना लगना। प्रिंस ऑफ वांड्स, आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रोमांटिक होंगे, क्योंकि आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं तो उन्हें वो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है, और जो टच में है उनकी तो बात हो ही रही होगी। एंड द लास्ट कार्ड इज़ टावर। तो फुल मून का इफेक्ट मैंने पहले भी कहा है कि आपके पार्टनर्स के ऊपर बहुत बुरा पड़ने वाला है, तो यहाँ सेकेंड कार्ड है टावर का, तो यहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू लेकर आएगा फुल मून, क्योंकि जब तक उनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, जब तक उनका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक उनको जो भी उनके दिमाग में परत लगी है कर्मा साइकिल की वो एंड नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक आपके साथ पूरी तरह से रियूनियन नहीं होगा, आके भी लौट जाएंगे या मिनी रियूनियन होगा, तो यहाँ पर ये टावर मोमेंट ज़रूरी है। तो ये जो कुछ भी है ये डिवाइनली गाइडेड है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी से और आपकी एनर्जी से ये रीडिंग रेजोनेट की होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।